This news is sponsored by Umang, where fashion meets tradition. भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों में से एक प्रयागराज में स्थित ललिता देवी शक्तिपीठ की महिमा चारों ओर फैली है। देश और दुनिया से हर रोज हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। मां ललिता देवी के साथ यहां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी विराजमान हैं। जिस स्थान पर कभी माता की अंगुलियां गिरी थी, वहां पर आज 110 फीट ऊंचा गुंबदनुमा एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं का मन भक्ति भाव से भर जाता है। शक्तिपीठ मंदिर के पास संकट मोचन हनुमान, राम लक्ष्मण और सीता के साथ साथ राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति स्थापित है। ये हम यहाँ से 30 साल से आ रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो मनौती मानी जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है। अगर सच्चे दिल से माना गया हुआ कार्य कुछ भी आप मानेंगे सच्चे हृदय से, तो वो जरूर पूर्ण होगा। ये तो मतलब बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी साल से आते हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि जो मांगिए वो पूरा होता है। माता के इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर भक्तों का नाता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के शुभ दिनों में माँ की विशेष साधना के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना माता का दिव्य श्रृंगार भी किया जाता है। सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शाम 7 बजे माँ की भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती में लोग इकट्ठा होकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ के पवित्र मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम सप्त चंडी का पाठ और पूजन किया जाता है। कुमकुम से अर्चन करने और गुड़ेल के फूल को चढ़ाने से भी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और माता रानी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, मनौती मानते हैं, उनकी मनौती पूरी होती है। माँ ललिता देवी की पुजारी के अनुसार इसका ताल्लुक महाभारत काल से भी माना जाता है और लाक्षाग्रह के दौरान पांडवों ने यहाँ आकर एक कुएं का निर्माण किया था, जिसे पांडुकूप भी कहा जाता है। प्रातःकाल सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन, इसके अतिरिक्त शाम को सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन, पूजन अर्चन किया जाता है, भंडारे का प्रसाद भोग लगता है तथा ललिता देवी माता का बीज मंत्र से जो जप करके दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, इनका स्वरूप अत्यंत अद्वितीय, अद्भुत और सौंदर्यमय। प्रातःकाल या सायंकाल स्नान करके उत्तराभिमुख बैठकर भगवती का अर्घ पाद्य अर्घ से पूजन करना चाहिए और इनका जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्री श्री ललिता देवी नमः, इस मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता को रक्त चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, जैसे गुड़हल का पुष्प हुआ, रोली, सिंदूर, अक्षत, इन सब से और कमल के पुष्पों से भगवती का अर्चन करने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है। महाभारत काल में कहा जाता है कि जब पांडव वहाँ से बच करके लाक्षाग्रह से निकले तो यहाँ पर उन्होंने एक कुआं का निर्माण किया था जिसको पांडुकूप कहा जाता है और भगवती ललिता देवी का वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजन किया था। उसी दिन यहाँ मेला लगता है और अपने अखंड राज्य की प्राप्ति की कामना से यहाँ का भगवती का पूजन अर्चन किया था। उसी उपलक्ष्य में आज भी यहाँ वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला लगता है। शिव मुहूर्त में पुजारी माँ ललिता देवी नवरात्रि में यहाँ काफ़ी दिन से 15-20 साल से हम लगातार आ रहे हैं। नवरात्रि दिन जो है देवी जी का प्रमुख दिन माना जाता है।
और यहाँ नवरात्रि में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अरविंद कुमार पांडे।